हेलो बच्चा पार्टी, एम आई ऑन द स्क्रीन? कैसे हो सारे ये बताओ। कैसे हो सारे? उठ गए सुबह सुबह और ब्रेकफास्ट किया सबने? क्या हुआ बच्चा आयशा, उसमें क्या प्रॉब्लम आई? पहले पार्ट वन देखा, पार्ट टू देखा, बच्चा क्या डाउट था उसमें ये बताओ। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। हेलो मधु, जन्नत, एंजल, नेहा, पुनीता, कैसे हो सारे? मोहम्मद, रियान, बच्चा क्या उसमें समझ नहीं आया? एक काम कर, मैम की एक बात सुन ले कि आप पहले पार्ट वन कर, पार्ट टू दोबारा से देख, एक बार एनसीईआरटी से पढ़, एंड उसके बाद कोई भी कंफ्यूजन है रीच आउट मी, राइट? आई एम ऑलवेज देयर, डोंट वरी, ठीक है? मैम वन डाउट इज देयर बच्चा रिया, कोई भी डाउट है, और मैं कहती हूँ जो भी डाउट हो ना कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो तुम लोग, राइट? या फिर यू कैन रीच मी आउट एनी वेयर, ठीक है? तो कोई टेंशन नहीं। टॉपिक रेप्लीकेशन, मेरे प्यारे बच्चे एक बार रेप्लीकेशन ना दोबारा से देख वहां से, राइट? और एक बार एनसीईआरटी से वो पैराग्राफ पढ़ ले रेप्लीकेशन पढ़ने के बाद। इन केस तेरे को कोई भी डाउट उठता है आज वाले कमेंट बॉक्स में डाल देना, या फिर रीच मी आउट, राइट? तो यहाँ पर आप मुझे भेज सकते हैं कहीं पर भी डाउट, तो फिर देखेंगे। मैं एनसीईआरटी का बुक पढ़ना पड़ेगा क्या बच्चा? आदित्य जरूरत तो नहीं है, बट देखो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ लेना अच्छे से, राइट? क्योंकि जब खुद से पढ़ोगे ना एक बार तो और भी अच्छे से चीजें समझ में आती हैं, राइट? तो इसलिए हेलो नैन्सी, राम राम, हेलो फूल, कैसी है बच्चा? सांस, राखी, अजीता, गरिमा, गुड मॉर्निंग बच्चा, कैसी है? बिल्कुल, मैं तो बढ़िया हूँ, तू बता। हाउ यू मैम? बच्चा अबीर, आई एम सो ऑसम। क्रांति, हाय क्रांति। शुभम, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? बिल्कुल अजीता, ऑसम। और तुम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया मैम? ओके मैम, थैंक, आई स्टडी। यस बच्चा आयशा, एक काम कर, आज एक पार्ट वन भी देख, पार्ट टू भी देख, और पार्ट थ्री अब तुम्हारे पास आज पूरा आ जाएगा, कंप्लीट टॉपिक आ जाएगा। ये एक काफी बड़ा चैप्टर भी है, मैं चाहे तो इसको वन शॉट में करा सकती थी, बट पर्पस ये था कि यार एक एक चीज आपको समझ में आए। आयशा कोई भी डाउट होगा मैम इज ऑलवेज देयर, परेशान नहीं होना, राइट? गला खराब हो गया क्या? हो गया बेटा गरिमा, आइसक्रीम खा ली थी क्या रात को मैम? आप लेट, इज इट मैं लेट हो गई थी क्या? अरे बच्चा वो कभी कभी वो क्या होता है ना, वो थोड़ा सा रीस्टार्ट करने में प्रॉब्लम हो जाती है, राइट? ग्रेट शुभम, राइट? तो चलिए स्टार्ट करें। नीट 2020 के लिए क्लास नहीं है बच्चा, 2022 के लिए भी क्लास होती है आदित्य, ये ऑल्टरनेट डेज चलता है, लेकिन अब नीट के लिए भी होगा, राइट? और नीट के लिए होती है भाई, हम लोगों ने नीट के लिए ऑलरेडी सेल चैप्टर कंप्लीट किया है, सेल साइकिल चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, राइट? एंड बच्चा अब हम नेक्स्ट बायो मॉलिक्यूल करेंगे, तो टेंशन नहीं, राइट? तो चलिए फिर करें स्टार्ट। तैयार सारे बच्चे? जय माहिष्मती, लेट्स स्टार्ट, राइट? तो बाकी अपने यहाँ पर सब अपनी प्रेजेंस मार्क करेंगे बाय हिटिंग अ लाइक बटन, एंड यस वेलकम टू द वेदांत यूट्यूब स्पेस। आई एम रश्मि मंगाई, एंड बच्चा ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। दीज स्लाइड्स आर क्रिएटेड बाय अवर मोहम्मद बासित सर, तो सर के लिए एक एप्रिसिएशन तो बनता है। बाकी यहाँ पर देखो बच्चा, यूट्यूब पर यहाँ पर बच्चों के लिए जो कि यहाँ पर यूट्यूब पर नीट के लिए भी चल रहा है सारी चीजें, सीबीएसई के लिए भी चल रही हैं, दोनों क्लासेस चल रही हैं। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से यू नो कनेक्ट करो क्लास के साथ, राइट? एंड बच्चा वेब प्लेटफॉर्म हमारा पेड प्लेटफॉर्म है, तो जिस बच्चे को लगता है कि यार मैं ना बहुत ही फोकस्ड वे में मुझे सारी चीजें मिल जाए, मॉड्यूल, टेस्ट, एकदम मुझे इधर उधर कुछ ना करना पड़े, मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा, तो उनके लिए पेड प्लेटफॉर्म इज बेस्ट, राइट? जिसको पर्सनल अटेंशन के साथ विद डाउट क्लास अच्छे से सारी चीजें पढ़नी है। तो बच्चा यहाँ पर वन टू वन इंटरेक्शन विद टीचर आपको मिलेगा, डाउट सॉल्विंग क्लासेस आपको मिलेंगी, और सुबह 8 से 11 बजे तक आपको डाउट ऐप पर डाउट एक्सपर्ट मिलते हैं जिनका काम ही आपका इंस्टेंट डाउट क्लियर करना है, राइट? उसके बाद बच्चा यस यहाँ पर आपके पास डाउट असिस्टेंट होते हैं, वी प्रॉमिस, हम प्रॉमिस भी करते हैं कि आपकी इंप्रूवमेंट होगी, और वो इसलिए करते हैं बिकॉज वी नो दैट वी आर कितनी मेहनत कर रहे हैं टीचर वहां पे बच्चों के लिए, दैट आई नो, राइट? सो बेस्ट टीचर, बेस्ट स्टडी मटीरियल आपको मिलने वाला है यहाँ पर वेब प्लेटफॉर्म पर, और ऑब्वियसली वी आर जस्ट यू नो खूब इंट्रैक्शन के साथ पढ़ाई होती है। बाकी अगर ये कोई टेंशन है कि भाई कैसे पढ़ूं, कैसे प्रिपेयर करूं, तो बच्चा देखो आपको चाहिए प्रॉपर कंटेंट, राइट? प्रॉपर टीचर्स, मतलब बेस्ट टीचर, बेस्ट मेंटोर्स आपको चाहिए, एक स्ट्रैटेजी, एक प्रोसेस चाहिए जो आपको बिल्कुल यूट्यूब पर भी हमारा चैनल प्रोवाइड कर रहा है, वेदांत तो प्रोवाइड कर रहा है, एंड उसके पेड प्लेटफॉर्म पर तो खैर ऑब्वियसली बच्चा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको
देखो यहाँ पर YouTube पर सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं कराई जा सकती क्योंकि बहुत सारी बैकएंड पर चीज़ें चल रही होती है, राइट। लेकिन पेड प्लेटफॉर्म पर ऑब्वियसली वी हैव अ ह्यूज टीम जो आपको मतलब पूरी तरीके से एकदम सिंप्लीफाई करेगी चीज़ें आपके लिए, राइट। एंड बच्चा देखो अभी जो भी क्रैश कोर्स है CBSE के लिए, जिन बच्चों को लगता है कि यार एक मंथ में पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूं अच्छे से और मेरे को रिवीजन के लिए भी खूब टाइम मिल जाए, तो उनके लिए ये बेस्ट कोर्स है बच्चा। दे कैन गो फॉर दिस कोर्स एंड वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होता है। बाकी देखो ये सारी की सारी जो है लिंक दिए हुए हैं, ठीक है। एक लाइट है, लाइट में बेसिकली आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करी जाती है, बस डाउट ऐप 8 से 11 बजे वाला नहीं मिलता है। बाकी क्लास में आपको मास्टर टीचर्स आपके डाउट क्लियर के लिए हैं, क्लास टीचर्स हैं, एंड दिस इज़ फॉर 6300। बट यहाँ पर जो क्लासिक है, क्लासिक में आपको सब चीज़ें मिलती हैं, एंड बच्चा आप क्लासिक भी, और यहाँ पर प्राइस डाउन हो गया है तो आप लोग जो है 3000 में ये कोर्स ले सकते हैं, बट RM Pro यूज़ करके। तो बच्चा 3000 में CBSE Term 1 का पूरा कोर्स मिल रहा है, तो आप ये 6300 भी नहीं, बहुत ड्रॉप हो गया है, दैट इज फॉर 3000 या फिर इससे भी कम है, राइट right, right? तो बच्चा RM Pro के साथ आपको इससे भी कम या इसके अप्रोक्स इसका रेट है, तो देख लेना एक बार, ठीक है। तो जिस भी बच्चे को ज्वाइन करना है बच्चा, आई गेस दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब नाउ, ठीक है। तुम लेट मत करो, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर आपको इतनी प्राइस में सारी चीजें मिलेंगी, राइट। सो टेस्ट वगैरह सारी चीजें। सो बच्चा सब्सक्राइब चैनल हक से बेल आइकन प्रेस करना है, ऑल करना है, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ऑफिशियल टेलीग्राम पर जितना पढ़ाएंगे PDF नोट सब अवेलेबल हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेने का। और जिसको भी कुछ भी प्रॉब्लम है ना बच्चा, आई एम ऑलवेज देयर, राइट। कोई टेंशन नहीं, मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा है यार, कोई भी डाउट होता है तुम लोग कॉमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, कुछ भी चीजें होती है तुम कॉमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, राइट। तो आई विल रीच यू आउट देयर, या फिर मुझे कोई भी पर्सनली आप कर सकते हैं, तो कोई कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो स्टडी वेल। सो बच्चा नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी Part 3, जहां पर हमने जीन एक्सप्रेशन को की रेगुलेशन को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जय माहिष्मती। चलियो बच्चा तैयार है सारे, विद फुल एनर्जी तैयार है सारे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी प्रेजेंस मार्क करनी है सारे बच्चों ने, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, है ना। तो आजकल देखो धीरे धीरे बच्चे कम होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों, पढ़ने का उत्साह कम क्यों हो रहा है बच्चा? ये बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए एग्जाम के एंड तक, ठीक है। तभी मजे भी आएंगे, तभी मार्क्स भी अच्छे आएंगे, एंड दिल से चाहते हैं यार तुम लोग बहुत अच्छा करो, एंड डेफिनेटली करोगे, राइट। क्या बोलते हो बच्चा पार्टी, ठीक है, तैयार करें स्टार्ट। तो चलिए, हाँ बोल बच्चा आदित्य, सुनो कहाँ, ठीक है। तो बहुत औसम, बहुत औसम तुम लोगों को, आई रियली अप्रिशिएट कितनी सुबह यार तुम क्लास में बैठ जाते हो, क्योंकि सुबह की क्लास में बच्चों को जगाना बहुत मुश्किल होता है, एंड रियली आई अप्रिशिएट योर जो भी ऐसे आप कर रहे हैं इतने डेडिकेशन के साथ, एंड बच्चा थैंक्स अ लॉट फॉर दैट, राइट। सो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अगर हम देखेंगे, तो यार यूकैरियोट की अगर बात करें कि जीन एक्सप्रेशन कैसे रेगुलेट होते हैं, किस तरीके से जीन एक्सप्रेस होंगे, तो हमें पता है यार पहले DNA से RNA बनता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, तो एक तो उस लेवल पर एक्सप्रेस हो रहा है। जैसे ट्रांसक्रिप्शन हुआ, हमें पता है उसकी प्रोसेसिंग, स्प्लाइसिंग, उसकी टेक कैपिंग टेलिंग होती है, राइट। जो और स्प्लाइसिंग होती है, सॉरी, तो स्प्लाइसिंग होगी, राइट, जो भी उसकी प्रोसेसिंग होगी, मतलब वही कैपिंग टेलिंग होगी, और उसके बाद mRNA फाइनली न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएगा, एंड यहाँ पर ट्रांसलेशन, तो मतलब इन सब स्टेप पर जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है, राइट। एंड बच्चा एनवायरमेंटल, फिजियोलॉजिकल, मेटाबॉलिक कंडीशन जो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं, ये सारी चीजों का उसमें रोल होता है, राइट। डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से हमें पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना है, तो वो भी कैसे बन पाता है, कोऑर्डिनेशन के साथ, रेगुलेशन के साथ, एक्सप्रेशन के साथ, सेवरल सेट ऑफ जीन, तो ऑब्वियसली ये सारा का सारा जीन एक्सप्रेशन, जीन रेगुलेशन की बात होती है, राइट। तो एक एक सेल में अच्छे से जीन रेगुलेट हो रहा है, जिससे हम पूरे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गए, राइट। तो ये चीज याद रखना है, ठीक है बच्चा। आदित्य नीट का इसी चैनल पर चल रहा है, टेंशन नहीं लेना है, राइट। सो यहाँ पर जो CBSE का है, इसको भी करो अटेंड, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड यहाँ पर फुल NCERT है, तो आप लोगों का ये टॉपिक्स फ्रॉम NCERT ही आता है, प्योरली NCERT से आता है, तो टेंशन नहीं लेना है। और नीट के लिए भी चल रहा है भाई ऑल्टरनेटिव डेज पर, नीट किक के नाम से और स्प्रिंट के नाम से CBSE के लिए चल रहा है, तो टेंशन नहीं, दोनों के लिए चल रहा है।
नीट में सेल और सेल साइकिल चैप्टर कंप्लीट हो गए, 11 से स्टार्ट करा है हमने, ठीक है। स्प्रिंट में क्लास 12th का भी चल रहा है, तो टेंशन नहीं लेना, पढ़ना है अच्छे से, राइट। तो बच्चा देखो यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट प्रोकैरियोट में कैसे करेंगे, तो प्रोकैरियोट का जो जीन रेगुलेशन है वो मेनली कहाँ पर, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज मेनली एट द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्टिंग में ही उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं उसके जीन एक्सप्रेशन को, राइट। एंड जो आरएनए पॉलीमरेज होगा वो क्या करेगा, डीएनए से आरएनए बनाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में ही, ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज एट द स्टार्ट साइट इज रेगुलेटेड बाय रेगुलेटरी प्रोटीन्स। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं, कुछ रिप्रेसर, कुछ एक्टिवेटर। तो बच्चा एक्टिवेटर होंगे तो वो क्या करेंगे, पूरा प्रोसेस करवाएंगे, रिप्रेसर होंगे तो वो कहेंगे भैया हाँ कोई प्रोसेस मत करो, राइट। एंड उसके बाद प्रमोटर रीजन होता है जहां पर ऑपरेटर इज रेगुलेटेड बाय एन ऑपरेटर सीक्वेंस। तो बच्चा यहाँ पर प्रमोटर रीजन्स होते हैं जिसको बेसिकली रेगुलेट करेगा ऑपरेटर सीक्वेंस, राइट। तो यहाँ पर ये क्या है, सारे के सारे ऑपरेटर, रिप्रेसर, ये सारा जो दिया हुआ है, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग, ठीक है। तो टेंशन नहीं, यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा डायग्राम हमारे लैक ओपेरॉन का है। तो बच्चा याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछता है वो यहाँ से पूछता है कि लैक ओपेरॉन सबसे पहले किसने डिस्कस किया, तो वो थे जेकॉब एंड मोनोड ने डिस्कस किया, राइट। तो इन्होंने क्या कहा भाई कि ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम इन लैक ओपेरॉन। इन्होंने कहा कि यहाँ पे जेकॉब और मोनोड ने कहा कि पहली बार इन्होंने बताया कि लैक ओपेरॉन कैसे काम करता है। एंड लैक ओपेरॉन क्या होता है बच्चा, ओपेरॉन क्या है, ओपेरॉन मतलब जिसमें एक से ज्यादा, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक से ज्यादा जीन के लिए जो कोड करता है, राइट। तो ओपेरॉन बेसिकली वो पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है जिसमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होंगे और जिसके लिए कॉमन प्रमोटर होगा, कॉमन रेगुलेटरी जीन होगा, राइट। तो बच्चा रेगुलेटरी जीन को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जीन आई से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि आई मतलब इनहिबिटर जीन होता है, राइट। तो ये क्या करेगा, लैक ओपेरॉन को रिप्रेस करता है, सप्रेस करता है, इसको ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देता, राइट। एंड स्ट्रक्चरल जीन का काम क्या होता है, जेड वाई ए, ये स्ट्रक्चरल जीन अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, अलग अलग एंजाइम के लिए कोड करते हैं, राइट। तो बच्चा लैक ओपेरॉन जो है वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, ठीक है, किसमें प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। और याद रखना कि जो लैक ओपेरॉन है, मैंने कहा उसमें तीन स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, जेड वाई ए, क्या क्या होते हैं बच्चा, जेड वाई ए होते हैं, राइट। तो ये चीज आपको याद रखना है कि देखो जो लैक ओपेरॉन है उसमें क्या क्या चीजें हैं, पीपो, अब ये पीपो क्या है, जेड वाई ए क्या है, तो बच्चा पी मतलब होता है प्रमोट, पी फॉर यहाँ पर आई से हम स्टार्ट करेंगे, राइट। आई फॉर होता है रेगुलेटर, जैसे मैंने कहा। अब रेगुलेटर का काम क्या होगा, तो ये बनाएगा एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन, और वो प्रोटीन क्या करेगा बच्चा, रिप्रेस करेगा, इस पूरे के पूरे जीन को ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देगा, जीन को कॉपी नहीं होने देगा, राइट। तो आई का काम ये होता है बेटा। पी फॉर क्या होता है, प्रमोटर, तो प्रमोटर का काम क्या होगा, प्रमोट करना, लेकिन आई जो, और ओ होता है बेटा ऑपरेटर, तो पता है क्या होता है, ये ऑपरेटर होता है। एंड जेड वाई ए तीनों स्ट्रक्चरल जीन है, तो बच्चा यहां पर क्या है, जेड वाई ए स्ट्रक्चरल जीन है जो पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन करेंगे और पर्टिकुलर एंजाइम बनाएंगे लैक ओपेरॉन के लिए, राइट। सो लैक ओपेरॉन तभी यहां पर काम करेगा जब ये तीनों एंजाइम साथ में काम करेंगे, एक्टिवेट होंगे, राइट। तो बीटा जीन किसके लिए कोड करेगा बच्चा, गैलेक्टोसाइडेज के लिए, जो क्या करेगा, लैक्टोज को, इसलिए लैक ओपेरॉन क्यों पड़ा है, क्योंकि लैक्टोज को तोड़ेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ेगा, राइट। उसके बाद परमीएज का काम क्या होगा, बैक्टीरिया की, और ये हमेशा प्रोकैरियोट के केस में हम पढ़ रहे हैं, राइट। ओपेरॉन हमेशा प्रोकैरियोट के केस में होता है, यूकैरियोट में नहीं होता, क्योंकि मल्टीपल जीन्स हमारे केस में नहीं होते हैं एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, राइट। तो ये बैक्टीरिया की वॉल को परमिएबल बनाएगा लैक्टोज के लिए, और लैक्टोज की भरमार हो जाएगी अंदर, राइट, बैक्टीरिया के अंदर। एंड उसके बाद ए जीन क्या करेगा, यहां पर इसका फंक्शन एज सच एनसीईआरटी ने लिखा कि अननोन है, राइट। तो ये ट्रांस एसिटाइलेज है, तो ये चीज इसका यहां पर तीन एंजाइम आपको याद रखने, तीन एंजाइम बनेंगे, राइट। तो यहां पर जो है बच्चा, ये है पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जैसा मैंने कहा, और लैक्टोज यहां पर किसकी तरह काम करेगा पता है,
और याद रखना ये सिर्फ प्रोकैरियोट में मिलता है। तो बच्चा यहाँ पर जो लैक्टोज होता है वो इंड्यूसर की तरह काम करता है, मतलब इसको स्विच ऑफ करेगा, राइट। सो लैक्टोज और एलो लैक्टोज जो होते हैं ना बच्चा, इंड्यूसर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, जो इसको स्विच ऑन करेंगे। तो ये याद रखना, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, स्विच ऑन करेंगे किसको, लैक ओपेरॉन को। तो लैक ओपेरॉन को अगर स्विच ऑन करना है तो हमें क्या चाहिए, इंड्यूसर चाहिए। एंड इंड्यूसर कौन कौन हो सकते हैं, इस केस में लैक्टोज हो सकते हैं, एलो लैक्टोज हो सकते हैं। तो बेटा याद रखना कि जो लैक्टोज है वो इंड्यूसर है, सबस्ट्रेट है, राइट, किसका, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज के ऊपर काम करके उसको ग्लूकोज गैलेक्टोज में तोड़ेगा, और यहाँ पर इस कंडीशन में ये इंड्यूसर होता है, क्योंकि लैक ओपेरॉन तभी ऑन होगा जब सिस्टम में लैक्टोज होगा। लैक्टोज नहीं तो ये ऑन नहीं, हमेशा स्विच ऑफ रहेगा, राइट। तो मतलब यहाँ पर देखो इसका रेगुलेशन बड़े अमेजिंग तरीके से होता है। ये स्विच ऑन स्विच ऑफ हो सकते हैं, और जब जरूरत होगी ये स्विच ऑन होगा, जब जरूरत नहीं होगी ये स्विच ऑफ हो जाएगा, राइट। एंड बच्चा याद रखना कि जो रिप्रेसर प्रोटीन है, अभी मैंने कहा रिप्रेसर प्रोटीन कौन बनाएगा, ये वाला पीपो, पीपो आई 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 इज द रेगुलेटरी जीन, ये रिप्रेसर बनाएगा। और पता है रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा, ऑपरेटर का गला पकड़ लेगा, ऑपरेटर के गले पे पकड़ लेगा, राइट। तो यहां पर रिप्रेसर याद रखना कहां बाइंड करता है बच्चा, यहां पर बाइंड करेगा किधर के साथ, ऑपरेटर के साथ, राइट। एंड आरएनए पॉलीमरेज को काम नहीं करने देगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे आएगा और आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा तो ये स्ट्रक्चरल जीन ZYA कोई एंजाइम नहीं बनाएंगे, और लैक ओपेरॉन काम ही नहीं करेगा। तो बच्चा ये होता है इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, राइट। तो जब ये लैक्टोज सिस्टम में नहीं है तो लैक ओपेरॉन भी किसी काम का नहीं है, वो स्विच ऑफ रहेगा, क्योंकि रिप्रेसर क्या करेगा, ऑपरेटर का गला पकड़ लेगा कि बेटा आरएनए पॉलीमरेज को ये एंजाइम पर काम मत करने दियो, ये वाले जो जीन है उनसे आरएनए बनाकर प्रोटीन मत बनाने दियो, राइट। तो मतलब ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होने देगा, मतलब डीएनए से ये जो जीन है, जीन से आरएनए में कॉपी होने ही नहीं देगा ये, राइट। एंड ये कब होता है बच्चा, जब लैक्टोज एब्सेंट है, ये चीज आपको याद रखना है, जब इंड्यूसर यहां पर एब्सेंट है, अभी जरूरत नहीं है लैक्टोज की, राइट। और ऐसा कंडीशन तब होता है बच्चा जब इसके पास, बैक्टीरिया के पास एनर्जी का सोर्स होगा ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो जब एनर्जी का सोर्स ग्लूकोज बैक्टीरिया के पास है तो क्या उसको किसी और एनर्जी की सोर्स की जरूरत पड़ेगी, है। जब तुम लोगों को पिज्जा बर्गर मिल रहा है तो बेटा खाओगे घर की हरी सब्जी, नहीं खाओगे ना। तो सेम बैक्टीरिया के साथ था कि उसके पास एनर्जी का सोर्स ग्लूकोज था, तो उसको जरूरत नहीं थी लैक्टोज वैक्टोज की। तो उसने कहा अरे भैया लैक्टोज हमें तुम्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम अंदर मत आना, ठीक है। तो जब तक लैक्टोज नहीं होगा तब तक ये स्विच ऑफ रहेगा। और लैक्टोज की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि इसके पास बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट है, उसे किसी और सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बच्चा ये याद रखना, एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर में सिंपल सी बात है यार, रिप्रेसर जाकर क्या करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर का गला पकड़ेगा और आरएनए पॉलीमरेज को आरएनए नहीं बनाने देगा, राइट। और जिससे प्रोटीन एंजाइम ही नहीं बनेंगे, लैक ओपेरॉन काम ही नहीं करेगा। अब बेटा हो गया उल्टा, उल्टा मतलब ग्लूकोज की कमी हो गई बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया को बेटा ग्लूकोज नहीं मिला, अब बेचारे को लैक्टोज में ग्रो करेंगे, उसको लैक्टोज, अब लैक्टोज से काम चलाना पड़ेगा। तो अब वो क्या करेगा, जैसे ही ग्लूकोज की कमी हो जाती है वैसे ही लैक्टोज एलो लैक्टोज जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएंगे, राइट। तो मतलब हमने क्या करा, बैक्टीरिया के अंदर ग्लूकोज की कमी कर दी और लैक्टोज को बढ़ा दिया। तो अब जैसे ही लैक्टोज बढ़ गया, एलो लैक्टोज जो कि इंड्यूसर है, ये दो इंड्यूसर है मैंने पहले लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब ये तो इंड्यूसर बढ़ गए तो बच्चा क्या करेंगे, ये रिप्रेसर प्रोटीन को कहेंगे ये इंड्यूसर आए, इंड्यूसर मतलब लैक्टोज आया, लैक्टोज कहेगा ओ बेटा तू ऑपरेटर के साथ जाकर नहीं जुड़ेगा। तो यहां पर क्या करा, रिप्रेसर को वहीं उसकी कॉलर पकड़ लिया, अच्छा बेटा ऑपरेटर को पकड़ेगा, रुक जा तू, ठीक है। तो जब ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर बाइंड नहीं हुआ, रिप्रेसर यहां पर इनएक्टिव हो गया, तो यहां पर अब ये बाइंड नहीं करेगा ऑपरेटर के साथ, सो नॉट बाइंड विद ऑपरेटर। तो यहां पर अब ऑपरेटर को ये डिस्टर्ब करेगा ही नहीं, और आरएनए पॉलीमरेज उतनी देर में आकर पूरा ZYA के लिए आरएनए बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, उसकी ट्रांसलेशन करवाएगा और फाइनली एंजाइम बना देगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज,
परमीएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज, राइट? तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, ऑब्वियसली लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में. तो मतलब लैक्टोज दो चीजों से मिलकर बनता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देगा. लो जी आ गया एनर्जी का सोर्स, तो बचा ग्लूकोज, वापस से एनर्जी का सोर्स आ गया है उसके पास. एंड परमीएज क्या करेगा, बैक्टीरिया में खूब सारा लैक्टोज बाहर से परमिट करेगा कि भाई लैक्टोज को भेजो, भाई एनर्जी की कमी हो गई है. तो बेटा ऐसे काम चलता है, राइट? एंड दिस इज नोन एज नेगेटिव रेगुलेशन. क्यों नेगेटिव रेगुलेशन बोलते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट टाइम स्विच ऑफ रहता है, राइट? बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये क्या रहेगा बच्चा, स्विच ऑफ रहेगा. और कौन इसको स्विच ऑफ करके रखता है, रिप्रेसर. और जैसे इंड्यूसर आएगा तभी ये स्विच ऑन होगा. तो बच्चा दिस इज, दिस टाइप ऑफ रेगुलेशन इज नेगेटिव रेगुलेशन. बट हमारी एनसीईआरटी में एक प्यारी सी लाइन दी हुई है, पता है क्या, जानना चाहोगे तो एनसीईआरटी जब खोलोगे ना बच्चा पार्टी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बच्चा डेंसर एंड रेयर मीडियम, यहां कहां से आ गया बेटा, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में पूछना अपना डेंसर एंड रेयर मीडियम का. ऑल्दो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ बट जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है? मतलब कुछ भी चल रहा है बेटा, श्रेया अपने अपने फिजिक्स सर से पूछना, केमिस्ट्री सर से पूछना, राइट? हाँ तो बच्चा देखो जल्दी से, हाँ तो देखो देखो जल्दी से, नेगेटिव रेगुलेशन की अगर बात करेंगे बच्चा, देखो जल्दी से नेगेटिव रेगुलेशन की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट बाय डिफॉल्ट ये जो लैकोपेरॉन है वो स्विच ऑफ रहता है. और स्विच ऑन कब होगा, तभी होगा जब ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, तो इसको लैक्टोज से ही एनर्जी निकालनी पड़ेगी, राइट? तब जाकर ये स्विच ऑन होगा. एंड एनसीईआरटी की लास्ट लाइन देखो, ओपेरॉन का एकदम जो नेक्स्ट पेज है ना ओपेरॉन का, उसकी लास्ट लाइन पढ़ो जरा जल्दी से पढ़ो सारे बच्चे. तो उसकी लास्ट लाइन में लिखा हुआ है बट ऑल्सो पॉजिटिव रेगुलेशन समटाइम. कैन यू सी बच्चा, कैन यू सी उसमें लिखा हुआ है ऑल्सो पॉजिटिव समटाइम लिखा हुआ है, बट ऑल्सो पॉजिटिव रेगुलेशन समटाइम. बेटा क्यों लिखा हुआ है, ऑल्सो पॉजिटिव रेगुलेशन समटाइम क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहां पर क्या होता है ना बच्चा, एक कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन होता है साइक्लिक एएमपी की प्रेजेंस में, ये काम करेगा, राइट? तो ये क्या करता है, ये हल्का फुल्का पॉजिटिव रेगुलेशन उसमें रखता है, राइट? तो ये कैप क्या है बच्चा, यहां पर ये पूरा मैकेनिज्म हमें इसका नहीं पढ़ना, बट आपको याद रखना है कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन जो होता है वो इसको मदद करेगा पॉजिटिव रखने में, मतलब स्विच ऑन भी करेगा, राइट? जब जरूरत होगी या फिर वैसे भी कुछ अमाउंट में इसको स्विच ऑन रखता ही है. तो बच्चा दैट टाइम ये पॉजिटिव रेगुलेशन शो कर रहा है. तो बच्चा यस, ये सिर्फ नेगेटिव नहीं है जो हमारी एनसीईआरटी ने दिया है, एक और लाइन कि ये पॉजिटिव भी होता है, लेकिन हमें वो डिस्कस नहीं करना, ये भी लिखा हुआ है, राइट? तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है? तो बच्चा पार्टी दिस शुड बी वेरी क्लियर. आई एम प्रीटी श्योर कि यहां तक सबको क्लियर होगा, नेगेटिव रेगुलेशन है ओवरऑल, क्योंकि हमेशा स्विच ऑफ रहता है बाय डिफॉल्ट, राइट? स्विच ऑन तभी होगा जब इंड्यूसर आएगा, लैक्टोज एलोलैक्टोज आएगा, और मैंने कहा गर्दन पकड़ेगा रिप्रेसर की और कहेगा बेटा तू ऑपरेटर के साथ नहीं जुड़ेगा, राइट? और आरएनए पॉलीमरेज फिर मजे से एंजाइम को ट्रांसक्राइब करेगा, राइट? सो दिस इज बेसिकली लैकोपेरॉन का सिस्टम. किसी को अगर 1% भी डाउट है बच्चा, दे कैन आस्क मी, राइट? तो जल्दी से अब आंसर बता दो क्या होगा इसका, जल्दी से इसका आंसर बताओ. 2018 का क्वेश्चन है, सीबीएसई में भी पूछेगा क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, राइट? तो जल्दी बताइए क्या होगा आंसर. इज इट बच्चा, शायद गलती से हो गया होगा, राइट? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है? तो अभी तेरे को पता चल गया ना, तो मेरे ख्याल से इन्होंने कुछ गड़बड़ करी हुई है. अच्छा, इन्होंने मेरे ख्याल से 1 अक्टूबर का, अरे क्या कर दिया है, लेट्स समराइज व्हाट वी हैव. बच्चे पुराना वाला शायद इन्होंने डाल दिया है, चलो कोई बात नहीं. हाँ सही बोल रहे हो, इन्होंने गड़बड़ कर दिया, पुराना वाला डाल दिया, राइट? तो जल्दी इसका आंसर बताओ. क्या बात है, हमारी आयशा ने कहा बीफ और बर्गर. अच्छा श्रेया, बच्चा क्या एक्सप्लेन करना है, मेरी मेरी बेटी क्या चाहती है, तो ये बता. मैम वेबकैम कमिंग इन फ्रंट ऑफ, इज इट जस्ट अ मिनट बच्चा, यार ये वेब कैम का भी तो करना पड़ेगा कुछ जुगाड़. चलिए ठीक है अब. हाँ आई नो शेड्यूल गलत दिया हुआ है बच्चा, एब्सोल्युटली आई नो.
ठीक है बच्चा, रेयर और डेंसर मीडियम बच्चा ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। आस्क योर टीचर, राइट, आस्क योर उज्जवल सर, आस्क योर सचिन सर, वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज नॉट माई पार्ट, राइट। तो बच्चा लैक ओपेरॉन, एब्सोल्युटली हमारे बच्चों ने कहा मैम ये वाला बिल्कुल ठीक होगा। एलेक्स जेफरी ने क्या किया बच्चा, फिंगर प्रिंटिंग दिया, राइट, फिंगर प्रिंटिंग दिया था, जो अभी हमने पढ़ना है। बाकी मिसेलसन स्टाहल ने क्या करा था, कौन सा एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने सेमी कॉन्जर्वेटिव बताया था। हर्शी एंड चेज है ना, तो वो हर्शी वो जो सिरप आता है चॉकलेट सिरप वाला हर्शी है ना ये, तो बच्चा हर्शी चेज ने क्या करा था, फाइनल प्रूफ ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल दिया था, राइट। अब जल्दी से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर आ जाओ, जल्दी से बच्चा, पार्टी कम बैक, यस, राइट। हाँ तो बच्चा बच्चा पॉजिटिव रेगुलेशन शेक हमें नहीं पढ़ना है, बट आपको याद रखना है कि किसी कंडीशन में, मतलब जब इसके पास कौन सा कैटेबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन होता है, तो ये उस टाइम पर कंटिन्यूअसली स्विच ऑन रहता है, राइट। तो वो दैट इज डिफरेंट मैकेनिज्म, हमें नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी में ये लाइन थी, मैंने मेंशन कर दी, राइट। तो एक बार इसलिए मैंने मेंशन करी कि आपको थोड़ा सा उस पर गौर फरमाना है, ठीक है। बाकी हमें उसको डिटेल में नहीं पढ़ना, जरूरत भी नहीं है, राइट। तो बच्चा पार्टी दैट्स ऑल। वैसे मैक्सिमम ये नेगेटिव रेगुलेशन होता है, नेगेटिव रेगुलेटर होता है, लेकिन कभी कभी कंडीशन में ये पॉजिटिव भी होता है, दैट व्हाट आई वांटेड टू से, राइट। चले अब आगे, क्या बोलते हो, राइट right? तो बच्चा देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं भाई, इसको बोला जाता है मेगा प्रोजेक्ट। कोई किसी को पता है क्यों बोलते हैं मेगा प्रोजेक्ट, जल्दी बताओ। तो बच्चा इसको बोला जाता है मेगा प्रोजेक्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो काफी ज्यादा बड़ा, काफी ज्यादा धन राशि उसमें खर्च हुई थी, काफी बड़ी बड़ी कंट्रीज उसमें आए थे, राइट, ये सब चीजें पूछने के लिए, ठीक है। तो बच्चा इज इट डन, इज इट डन, तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 1990 में ये लॉन्च हुआ था, और जिसका पर्पस ये था कि हम डीएनए को पूरी तरीके से जानेंगे, ह्यूमन जीनोम के एक एक जीन को, एक एक डीएनए सीक्वेंस को पहचानेंगे और सीक्वेंस करेंगे, ये हमारा पर्पस था, मतलब इस प्रोजेक्ट का पर्पस था, राइट। तो यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ बायोटेक्नोलॉजी वाली टेक्निक यूज करी गई, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक यूज करी गई, डीएनए वगैरह को आइसोलेट करके और यहाँ पर पूरा का पूरा सिक्वेंसिंग करने के लिए, ठीक है। तो हमने पूरा डीएनए सिक्वेंस करा, उसकी एक एक जीन के बारे में जाना, एक एक सेगमेंट के बारे में जानना, और ये जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि उस टाइम पर जो है हम बहुत ज्यादा क्यूरियस होते थे, राइट। तो बच्चा यस, यहाँ पर फाइनली ये प्रोजेक्ट 2003 में कंप्लीट हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा लास्ट में जो क्रोमोजोम सिक्वेंस हुआ था वो क्रोमोजोम नंबर 1 था, मई 2006 में। तो मतलब हम कह सकते हैं कि क्रोमोजोम नंबर 1 जो सीक्वेंस कंप्लीट हुआ था इसका 2006 में हुआ था, लेकिन वैसे ओवरऑल जो प्रोजेक्ट था वो 2003 में कंप्लीट हो चुका था। तो बेटा यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रोमोसोम नंबर 1 कौन से ईयर में हुआ था, कौन से ईयर तक कंप्लीट हुआ था, तो 2006 तक इसकी सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई थी। इस क्रोमोसोम नंबर 1 में सारे डीएनए पहचाने गए, पूरा डीएनए का सीक्वेंस पहचाना गया कि कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड यहां पर है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इज इट डन, यस, एब्सोल्युटली बच्चा 13 साल, तो 1990 से 2003 13 साल का प्रोजेक्ट था, 13 इयर्स का ये प्रोजेक्ट था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो बच्चा, इसको एकदम कट शॉर्ट में बता दूं क्या क्या चीजें थी, ठीक है। तो ह्यूमन इसमें बहुत, मैंने कहा पैसे खर्च हुए, पता है कितने, $19 बिलियन। इमेजिन करो $19 बिलियन इसमें खर्च हुए थे, एंड ये इतना ज्यादा मेगा प्रोजेक्ट था। एंड बच्चा यस, यहाँ पे जो कुछ 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 कंट्रीज हैं जो अभी हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट, ये लिखी देती हूँ मैं यहाँ पर, जस्ट अ मिनट। तो बच्चा देखो यहाँ पर जो है कुछ कंट्रीज थी, जैसे कि अगर हम बात करेंगे यूएस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कौन कौन से, 13 इयर्स का प्रोजेक्ट था, किसने स्टार्ट किया था बच्चा, बाय यूएस डिपार्टमेंट, किसने स्टार्ट किया था, बाय यूएस डिपार्टमेंट, यूएस डिपार्टमेंट ने इसको स्टार्ट किया था, राइट, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, राइट। और इसके साथ किसने पार्टनरशिप करी थी, जल्दी बताओ, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, तो इन्होंने स्टार्ट करा था, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ यू नो एनर्जी ने इसको स्टार्ट किया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, और इसके साथ साथ वेलकम ट्रस्ट था, वेलकम ट्रस्ट, ठीक है। तो वेलकम ट्रस्ट भी आए थे जिन्होंने फंडिंग करी थी, यूके की थी ये बेसिकली, राइट। तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा कुछ
डेवलप्ड कंट्री, कुछ यूरो ज्यादा इकोनॉमी वाली कंट्री जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इन सब ने मिलकर यहाँ पर फंडिंग करी थी इस चीज के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए सारे मिलकर काम कर रहे थे और तब फाइनली यहाँ पर इसकी सिक्वेंसिंग करी गई थी। बेटा कितने पैसे खर्च हुए थे, कितनी धनराशि, 10 बिलियन US डॉलर, राइट? तो इतनी धनराशि खत्म कंप्लीट हुई थी, मतलब लगी गई थी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर। तो ये सोच लो कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, राइट? तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बच्चा देखो, यहाँ पर जो ये पूरा प्रोजेक्ट था, इसका गोल क्या था? सबसे पहले जितने भी 20,000 से 25,000 जीन ह्यूमन डीएनए में है उसका पता लगाना। पहला पर्पस क्या था जल्दी बताओ? यस, तो यहाँ पर इसका पता लगाना। दूसरा था बच्चा यहाँ पर डिटरमाइन द सिक्वेंस ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर। तो जो भी 3 बिलियन बेस पेयर्स हमारी बॉडी में है, हमारे डीएनए में है, उसका पता लगाना, उसकी सिक्वेंसिंग करना। तो सोचो 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर की सिक्वेंसिंग कर रहे थे। फिर जितना भी 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर का सिक्वेंस आएगा उसको डेटाबेस में स्टोर करना, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्टोर करना, उसकी डेटा एनालिसिस टूल बनाना, उसको इंप्रूव करने के लिए ऑब्वियसली इंप्रूव्ड टूल बनाना डेटा एनालिसिस के लिए। और यहाँ पर बच्चा ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर जो ये टेक्नोलॉजी बनाई गई इंप्रूव करने के लिए, राइट, डेटा एनालिसिस इंप्रूव करने के लिए, उन्हीं इंडस्ट्री ने बाकी सेक्टर में भी काफी मदद करी। उसके साथ साथ एलसी यहाँ पर आया उस टाइम पर इस प्रोजेक्ट के दौरान। एलसी मतलब क्या होता है कि लोगों ने कहा कि अरे तुम हमारे जीन के बारे में जानोगे और तुम लोग जो है फिर डिस्क्रिमिनेट करने लग जाओगे अगर हमारे जीन बेकार हुए तो, है ना, तो फिर हम लोगों को लोग अच्छा नहीं मानेंगे। तो ऐसे बहुत सारे एथिकल लीगल, मतलब ऑब्वियसली आप जीन के ऊपर काम कर रहे हैं तो लोगों की आइडेंटिटी जो है वो लॉस हो रही है, राइट? तो मतलब उससे क्या हो रहा है, लोगों की जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है उसका बहिष्कार कर रहे हो आप, ठीक है? तो यहाँ पर एथिकल लीगल सोशल इश्यूज आए, दैट इज एलसी आया, राइट? तो उसको भी सॉल्व करने के लिए फिर कुछ कुछ यहाँ पर स्टेब्लिश करी गई ऑर्गेनाइजेशन जो इससे रिलेटेड काम करेंगी, राइट? कि ऐसे कुछ इश्यूज आए नहीं। तो ये सारा इनका वो था, क्या बोलते हैं, पर्पस था। तो ये आपको याद रखना है। बाकी इस प्रोजेक्ट के दौरान एक नई सी इंडस्ट्री, एक नया सा यू नो ऑर्गेनाइजेशन, एक नया सा सब्जेक्ट उस टाइम पर आया, दैट इज द बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बच्चा इस पर्टिकुलर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने एक नया सब्जेक्ट को जन्म दिया, दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है? द बायो मतलब बायोलॉजी, इन्फॉर्मेटिक्स मतलब रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन कंप्यूटर। तो मतलब कंप्यूटर को भी बायोलॉजी के साथ जोड़ दिया गया, एप्लीकेशन को बायोलॉजी के साथ जोड़ दिया गया, क्योंकि हमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट कहाँ स्टोर करेंगे? किताबें बनाने लगे तो भाई पूरी लाइब्रेरी बन जाएगी। तो वी रिक्वायर सम इंफॉर्मेटिक्स हेल्प, राइट, सम कंप्यूटर हेल्प। तो बच्चा यहां पर फिर एक नया ब्रांच उस टाइम पर निकल कर आया, दैट इज द बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो आपको याद रखनी है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर क्या मेथडोलॉजीज यूज करी गई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, राइट? तो बच्चा सबसे पहला है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। अब तुम कहोगे कि मैम एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्या होता है? तो इस केस में हम वो सारे जीन देखेंगे जो कोडिंग जीन है। कोडिंग मतलब जो आरएनए के लिए कोड कर रहे हैं, राइट? तो मतलब सारे काम के जीन देखेंगे। और सीक्वेंस एनोटेशन को ब्लाइंड अप्रोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? ब्लाइंड अप्रोच बोलते हैं। किसी को पता है क्यों बोलेंगे ब्लाइंड अप्रोच? क्योंकि यहां पर कोडिंग यानी जो डीएनए का पार्ट कोड कर रहा है और जो कोड नहीं भी कर रहा वो दोनों आएंगे, ठीक है? तो ये चीज आपको याद रखना है, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए दोनों को जानना है हमें, राइट? सो यहां पर सीक्वेंसिंग करेंगे पूरे जीनोम का, चाहे वो किसी चीज के लिए कोड करता है चाहे वो कोड नहीं करता, राइट? तो ये चीज आपको याद रखना है कि इसमें कंप्लीट जीनोम को हमने सीक्वेंस किया, इसलिए इसको ब्लाइंड अप्रोच बोलते हैं। इसमें कोई मतलब नहीं कोड करता या नहीं करता, हमें सबकी सीक्वेंसिंग करनी है, होल जीनोम की सीक्वेंसिंग करनी है, दैट्स ऑल। ये इतना सा कॉन्सेप्ट है, इतना सा कॉन्सेप्ट, ये तीन चीजें, इतनी चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। इसमें सिर्फ एक चीज, दैट इज द कोडिंग सीक्वेंस, दैट्स ऑल, राइट? तो ये चीज आपको याद रखना है। तो बच्चा पार्टी इज इट डन? यस, ये आपको याद रखना है, ये यहां से क्वेश्चन पूछता है, नीट में हो चाहे सीबीएसई में हो, राइट? तो ये दो अप्रोचेस हैं जो हम देखने वाले हैं कि कैसे कैसे करेंगे, राइट? तो देखो जैसे इस लेडी से हमने क्या करा, इसका सेल निकाला, सेल के अंदर से इसका क्रोमोजोम निकाला, क्रोमोजोम में फिर डिटेलिंग में उसका डीएनए, उसको कट करके पूरा डीएनए के पीसेस बनाए और फिर फाइनली उनको सिक्वेंसिंग करके डाटाबेस बना दिया, ठीक है? और हमें पता चल गया कि ये सारे जीन, ये सारे डीएनए का सिक्वेंस है।
डीएनए के सारे बेस पेयर को सिक्वेंस करके एक एक क्रोमोसोम में सारा डाटा में लिख दिया, और लो जी हमारा इस तरीके से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यूज मतलब तैयार हुआ, राइट। सो बच्चा क्या है सेलियंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम, क्या क्या है यहाँ पर सेलियंट फीचर, तो ढंग से देखना। और उससे पहले मैं यहाँ पर सारे स्टेप्स भी बता देती हूँ, राइट। तो चलिए यहाँ पर एक स्टेप्स बता देती हूँ, क्या क्या स्टेप्स इन्होंने फॉलो करे थे, राइट। अब जल्दी से सुनना क्या क्या स्टेप फॉलो करे थे। सबसे पहले इन्होंने डीएनए आइसोलेट किया, क्या किया बच्चा, डीएनए आइसोलेट किया ऑर्गेनिज्म से। उसके बाद जो डीएनए आइसोलेट कर लिया तो डीएनए खूब बड़ा होता है, उसको छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे, किस एंजाइम की मदद से, किस एंजाइम की मदद से जल्दी बताओ। छोटे छोटे पीसेस में काटने के लिए वी हैव स्पेशल एंजाइम, मॉलिक्यूलर सीजर भी इसको बोलते हैं, कैंची की तरह काम करेगा। तो दैट इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो बच्चा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, कट डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो यहां पर फ्रेगमेंट्स में इसको कट करेगा, ये आपको याद रखना है। तो जैसे फ्रेगमेंट्स में कट कर दिया, अब क्या करेगा, छोटे 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 पीसेस हो गए। अब बच्चा इन पीसेस को पता है क्या करते हैं, ये जो फ्रेगमेंट्स आए ना हमारे पास डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े, तो इन फ्रेगमेंट्स को ऐसे बहुत सारे टुकड़े हम बना देते हैं। तो जैसे अलग अलग लेंथ के अलग अलग टुकड़े बना दिए अलग अलग मीडियम में, राइट। अब इन डीएनए फ्रेगमेंट को यहां पर हम क्या करेंगे, ये पैसेंजर की तरह काम करेंगे। पैसेंजर क्या होता है बेटा, टैक्सी में जाता है, राइट। तो यहां पर ये काम करेंगे पैसेंजर की तरह, और अब हम इनको पता है कहां डालेंगे, जीन टैक्सी में। किसमें बच्चा, जीन टैक्सी में बिठाएंगे। और यहां पर जीन टैक्सी मतलब वेक्टर होता है, वेक्टर मतलब जो इन जीन को कैरी करके होस्ट के पास लेकर जाएगा, ठीक है। तो जीन टैक्सी यहां पर जो यूज हुए थे बच्चा, दैट इज द बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। जल्दी बताओ क्या हुआ था, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर एक बैक और यहां पर एक यैक यूज हुआ था। तो अब ये बैक और यैक क्या है, तो भाई एक है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और एक होता है यैक, राइट। तो ये आपको याद रखना, एक बैक और यैक, ये दो वेक्टर यूज किए गए थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। क्वेश्चन पूछा हुआ है, टैक्सी की तरह काम करेगा, कौन सी टैक्सी, जीन टैक्सी की तरह, राइट। तो एक बड़ी टैक्सी होगी और एक छोटी टैक्सी, मतलब एक ज्यादा पैसेंजर को लेकर जाएगी और एक छोटे पैसेंजर को, मतलब कम पैसेंजर को, राइट। सो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो जल्दी बताओ यहां पर बचा, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, तो यहां पर बड़ी टैक्सी का नाम बता दो जल्दी से, क्रोमोसोम, राइट। तो यहाँ पर जो बड़ी टैक्सी है, जैसे छोटी टैक्सी, जैसे नैनो समझ लो, राइट, या फिर स्विफ्ट समझ लो, या फिर वेगनार समझ लो, राइट। तो ये करेगी बेटा स्मॉल डीएनए के पीसेस को, स्मॉल डीएनए को कैरी करेगा, और याक जो होगा वो बड़ी टैक्सी है। तो बेटा बड़ी टैक्सी का नाम बताओ जल्दी। तो यहाँ पर हमारे बच्चों ने कहा कि मैम बड़ी टैक्सी जो है, हाँ स्विफ्ट छोटी, अच्छा ठीक है ठीक है, वेगनार, ठीक है। तो गरिमा ऑफेंड हो गई कि स्विफ्ट छोटी है, ठीक है। तो गरिमा ठीक है, छोटी नहीं है, बड़ी है, ठीक है। तो चलो फिर नैनो ले लिया हमने। अब बताओ जल्दी से याक का एग्जांपल दो, जल्दी से बड़ी टैक्सी का एग्जांपल दो, जो ज्यादा पैसेंजर को लेकर जाएगी, जो बड़े फ्रेगमेंट्स को लेकर जाएगी। तो यहाँ पर अब बिग साइज डीएनए या लार्ज डीएनए को ये कैरी करेगी, लार्ज साइज डीएनए को कैरी करेगी। तो यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि स्विफ्ट डिजायर, ये देखो ये आए अमीर, फॉर्चुनर और ये क्या है मर्सिडीज वाले, लार्ज साइज डीएनए को कैरी करेगी, राइट। तो ये देखो जरा, बस ले ले, ट्रेन ले ले, ठीक है ठीक है। तो चले फिर आगे, ट्रक ले ले, ठीक है, तो ले लो कुछ भी ले लो, ठीक है। तो इन सब में हमने क्या करा, अपने पैसेंजर को बिठा दिया, चलो भाई चलो। और कहाँ लेकर जाएंगे बच्चा, होस्ट के पास लेकर जाएंगे, ठीक है। तो होस्ट होता है जिसके अंदर ये रेप्लिकेट करते हैं, तो हमने उसको होस्ट के अंदर डाल दिया। तो जो ये वेक्टर है उसके साथ अपने जीन को, तो सपोज करो दिस इज द वेक्टर, यहां पर ये देखो बच्चा ये वेक्टर है, और इसके साथ हमने अपने जीन को चिपका दिया। एंड ये बायोटेक में भी तुम लोग काफी डिटेल में पढ़ोगे, राइट। उसके बाद इसको कहां करवा दिया, होस्ट की बॉडी में ट्रांसफर करा दिया, पहुंचा दिया बेटा जहां पहुंचाना था, राइट। तो फाइनली ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, ये कहेंगे कृपया यात्री संभल कर उतरे, राइट। तो अब यहां पर ये अंदर जा चुका है होस्ट के, और होस्ट के अंदर क्या होगा, इस जीन का एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफाई होगा, है ना। और यहाँ पर जो भी अगर कोई जीन फंक्शनल है तो वो प्रोटीन भी बना देगा। तो मतलब मेनली हमने एम्पलीफाई करना है, इसका नंबर बढ़ाना है, ठीक है। और जैसे ही एम्पलीफाई हो गया तो बच्चा क्या होगा उसके बाद, जल्दी बताओ। एम्पलीफाई भी कर दिया हमने, इसका जो साइज है वो, जो नंबर है वो इंक्रीज कर दिए। एंड अब हम क्या करेंगे बच्चा,
ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस देखेंगे, तो अब इनको सीक्वेंस करना है, तो बच्चा ओवरलैपिंग के बेसिस पर, राइट? तो जैसे कुछ यहाँ पर हमारे पास और भी फ्रेगमेंट्स होंगे दूसरे कंटेनर में, ठीक है? तो इन छोटे और बड़े फ्रेगमेंट्स को क्या करेंगे, ओवरलैपिंग के बेसिस पर एक के बाद कौन सा होना चाहिए, अरेंज करना शुरू कर देंगे। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कैसे, बाय ओवरलैपिंग सिक्वेंस, देखेंगे कहां पर ये ओवरलैप कर रहे हैं, राइट? तो ये ऐसा नहीं है कि ये हम अपने उससे कर रहे हैं, मतलब ऐसे मैनुअली कर रहे हैं, भाई इसके लिए बहुत सारे सिक्वेंसर्स होते हैं, बहुत सारी टेक्निक होती है, राइट? कंप्यूटराइज्ड टेक्निक है, हमारे बस का नहीं है इतना ओवरलैपिंग देखना, ठीक है? सो बाय ओवरलैपिंग सिक्वेंस आर अरेंज्ड, ठीक है? तो यहां पर ये हम ओवरलैपिंग सिक्वेंस के अकॉर्डिंग हमने डीएनए सिक्वेंस को अरेंज कर लिया, टू नो होल डीएनए पैटर्न, टू नो होल डीएनए पैटर्न, तो ये हम पैटर्न देखना चाह रहे थे, ठीक है? सो इस तरीके से होल डीएनए पैटर्न इज एनोटेटेड, एनोटेटेड मतलब इसको पैटर्न को जान लिया गया, राइट? तो ये चीज आपको याद रखना है, इज इट डन? सो बच्चा अलाइनमेंट ऑफ दीज सिक्वेंस, जो भी हमने अलाइनमेंट किए हैं, एनोटेशन करी है बेटा, वो डीएनए सिक्वेंसर की मदद से करी है। तो अलाइनमेंट ऑफ दीज सिक्वेंस याद रखना बेटा, जो ये सिक्वेंस की अलाइनमेंट है वो किसकी वजह से, कंप्यूटर बेस्ड है, विद कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम से करी गई है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जितना सुनाई दे रहा है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, राइट? तो ये चीज आपको याद रखना है। एंड फाइनली यहाँ पर सिक्वेंसिंग हो गई, राइट? तो बच्चा फ्रेडरिक सेंगर जो थे उनकी टेक्निक थी ये, फ्रेडरिक सेंगर एक हमारे प्यारे से साइंटिस्ट हैं, ये आपको याद रखना है। तो इन दोनों ने क्या करा था, फ्रेडरिक सेंगर ने, सॉरी एक है, तो फ्रेडरिक सेंगर ने क्या करा था यहाँ पर, बेसिकली बच्चा फ्रेडरिक सेंगर ने क्या करा था, बेसिकली अमीनो एसिड की सिक्वेंसिंग करी थी। तो इन्होंने प्रोटीन में अमीनो एसिड का सिक्वेंस बताया था, तो इन्हीं की टेक्निक हमने यूज करके डीएनए सिक्वेंसिंग कर दी। तो फ्रेडरिक सेंगर को शायद बहुत ज्यादा सिक्वेंसिंग का मन करता था, वो हर चीज को सिक्वेंस करते रहते थे, राइट? तो इन्होंने प्रोटीन में अमीनो एसिड का सिक्वेंस बताया, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर बाकी सारी चीजें, फिर यही टेक्निक यूज करी हमने, यही प्रोग्राम यूज करके, यही एनोटेशन यूज करके हम लोगों ने डीएनए की ओवरलैपिंग करके पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम का बता डाला, राइट? सो लाइफ जिंगालाला, अब यहाँ पर इस तरीके से हमने पूरा का पूरा कर दिया, इसको पूरी छानबीन कर दी, पूरा डीएनए सीक्वेंस कर दिया, फाइनली हमें क्या कंक्लूजन मिला? तो बेटा कंक्लूजन पूछता है एग्जाम में, ढंग से सुनना, कि ह्यूमन जीनोम में यहाँ पर कितने मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं? तो ह्यूमन जीनोम में 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है? और एवरेज जीन का जो साइज होगा ना बच्चा, जीन मतलब डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट जो किसी प्रोटीन के लिए कोड करेगा, वो 3000 बेसिस से बना हुआ है, लेकिन साइज जो है वो बड़ा छोटा हो सकता है। तो सबसे बड़ा जो ह्यूमन जीन है, जो जिस ह्यूमन जीन का सबसे बड़ा साइज है, दैट इज डिस्ट्रोफिन ऑफ मसल, मसल में डिस्ट्रोफिन जीन होता है, 3.4 मिलियन बेसिस से बना है। ये आ गया बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्क कर लो इसको, ठीक है? एनसीईआरटी में मार्क कर लेना कि सबसे बड़ा जो ह्यूमन जीनोम है, दैट इज द डिस्ट्रोफिन, और इसमें 2.4 मिलियन बेसेस हैं, राइट? उसके बाद बेटा टोटल जीन जो एस्टिमेट लगाया गया था 30,000 एंड मच, बट इतने नहीं थे, सॉरी 3 लाख एंड मच, तो यहाँ पर इतने नहीं थे, ये एक्चुअली सॉरी 30,000 ही हमें मिले, लेकिन पहले एस्टिमेट लगाया गया था कि 80,000 से 1.5 लाख जीन शायद प्रेजेंट होंगे, लेकिन बाद में देखा गया बेटा 80,000 और 1,40,000 के आसपास नहीं है, सिर्फ 30,000 के आसपास जीन प्रेजेंट है। आर यू गेटिंग इट बच्चा, जल्दी बताओ, ठीक है? उसके बाद उसमें से भी अगर डीएनए का पूरा सीक्वेंस देखेंगे ना, उसमें से भी 90.9% जो होता है वो सारे लोगों में सेम होता है, तो सिर्फ हम में डिफरेंस कितने का है, 0.1% का। और सोचो इतने छोटे परसेंटेज में भी हम कितने अलग हैं, राइट? तो ये चीज आपको याद रखना है। यस एब्सोल्युटली, सोच रहे थे एस्टिमेट इतने का लगा रहे थे, लेकिन पता चला बाद में कि बेटा सिर्फ 30,000 जीन होते हैं, और 99.9% सारे लोगों में सेम है, सिर्फ हम जो अलग दिख रहे हैं वो सिर्फ 0.1% की वजह से अलग हैं। तो सोच लो बेटा कितनी खतरनाक है चीजें, है ना? सो बच्चा फंक्शंस, 50% डिस्कवर्ड जीन का तो फंक्शन पता भी नहीं चला, अननोन है अभी तक, एंड लेस देन 2%, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बच्चा भाई 2% से भी कम जीन है जो एक्चुअली प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। बच्चा सोच रहे हो इतना ज्यादा जीन, और उसमें से सिर्फ 2% है जो एक्चुअली प्रोटीन के लिए कोड करता है।
राइट, रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, और सबसे ज्यादा ह्यूमन जीनोम का पार्ट मतलब कोडिंग वाला सीक्वेंस बहुत कम है, बहुत लेस है, लेकिन सबसे ज्यादा रिपीटेटेड सीक्वेंस है जो कि एक्चुअली किसी काम का नहीं है, वेल्ला है। ठीक है, तो वेल्ले लोगों की कमी नहीं है यहाँ पर। तो बेटा ये कैसा है, वेल्ला है, याद रखना। ठीक है, तो वेल्ले लोगों की कमी नहीं है, रिपीटेटेड सीक्वेंस जो किसी काम का नहीं है उसका अमाउंट सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। तो बच्चा याद रखना ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो बच्चा पार्टी डिट्टो भाई, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ना वो बिल्कुल ही डिट्टो सेम होते हैं, उनमें डीएनए का भी फर्क नहीं होता है बेटा, राइट? तो जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं जो एक ही एग से बनते हैं, है ना। तो बच्चा देखो, सेलियंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम में और क्या था, रेपिटेटेड सिक्वेंस क्या होते हैं, डीएनए सिक्वेंस जब बहुत बार रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ए टी ए टी ए टी ए टी चला हुआ है, 1000 टाइम रिपीट हो गया, राइट? तो इनका कोई फंक्शन नहीं है कोडिंग में, लेकिन भाई जो इतना ज्यादा अमाउंट में है क्यों? तो बच्चा ये हमें ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये सीक्वेंस अभी नॉन फंक्शनल है, ना कहीं ना कहीं ये एंसेस्टर में फंक्शनल रहे होंगे। तो ये हमें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया देते हैं, उसके डायनेमिक्स के बारे में कि कैसे पहले ये फंक्शनल रहा होगा अब फंक्शनल नहीं है, और इवोल्यूशन के बारे में बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन देता है। तो ये पर्पस है हमारा रेपिटेटिव सिक्वेंस के होने का, राइट? एंड रेपिटेटिव सिक्वेंस का बहुत बड़ा रोल है बेटा फिंगरप्रिंटिंग यूनिकनेस को जानने में, राइट? तो वो भी हम अभी देखेंगे। तो बेटा रिपीटेड सीक्वेंस को ऐसी कम मत समझना, भले किसी काम के नहीं है लेकिन बहुत इंफॉर्मेशन हमें दे जाते हैं, राइट? एंड क्रोमोसोम वन के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीन क्रोमोसोम नंबर वन के पास है, इंपॉर्टेंट, राइट? और सबसे कम क्रोमोसोम नंबर, सबसे कम जीन क्रोमोसोम नंबर वन के पास है, वाई के पास है, दैट इज 231। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? उसके बाद साइंटिस्ट ने ऐसे बहुत सारे रीजन डीएनए में पहचाने, कम से कम 1.4 मिलियन लोकेशन पर इन्होंने देखा कि डीएनए में जो लोगों में डिफरेंस है ना, लोगों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है, मतलब वो बिल्कुल डिट्टो सेम है, सिर्फ यहां पर कुछ रीजन में उनमें कुछ कुछ जगह डिफरेंस है, वो भी सिंगल न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस। सो बच्चा दैट इज नोन एज एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो मतलब हम अगर अलग हैं तो वो सिर्फ एक एक डीएनए के सीक्वेंस के ऊपर, तो मतलब जैसे यहां पर टी है, किसी में ए होगा इसकी जगह, किसी में जी होगा, तो एक एक पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है हमारे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब डिफरेंसेस एक एक पॉइंट पर होना, राइट? सो मतलब साइंटिस्ट ने क्या देखा कि हम लोगों का जो एक पॉइंट पर डिफरेंस है, 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसी उनको मिली जिसमें सिर्फ पूरे डीएनए सेम है और यहां पर एक एक का डिफरेंस है, राइट? एक एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है। तो दैट इज नोन एज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि ह्यूमन में देखा जाता है, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस देखा जाता है, राइट? तो बच्चा दैट इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, दैट्स ऑल, दिस इज ऑल अबाउट द सेलियंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो आपको याद रखना। ठीक है, तो था ना बहुत सिंपल, क्या बोलते हो बच्चा पार्टी, था सिंपल या नहीं था, था ना मजेदार? तो इतना ही था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बच्चा पार्टी, कैन वी गो अहेड नाउ, क्या बोलते हो, भूख तो नहीं लगी मैम? 22/4 देंगे विद यू, बिल्कुल बच्चा बिल्कुल। मुझे अगर किसी किसी भी बच्चे को अगर थोड़ा भी इश्यू है तो जल्दी बताओ, मैं बताऊंगी, आगे फिर निकलेंगे फिंगर प्रिंटिंग एंड दैट्स ऑल, फिर चैप्टर ओवर। एंड फिर तुम लोगों का होमवर्क ये होगा कि तीन पार्ट्स में, चाहे एनसीईआरटी चाहे नीट वाले बच्चे हैं, सीबीएसई वाले, अच्छे से पढ़ेंगे और मेंटी में एकदम मचाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट मेंटी होगी इस चैप्टर की जिसमें हमें मचाना है, राइट? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन डन बच्चा। ठीक है, तो चलते हैं आयशा, एंड आयशा एक बार देख लेना वो सारी चीजें, राइट? फाइनली लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, ऑफ द डे मतलब ऑफ द टॉपिक, राइट? तो बच्चा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है कि हम लोग डीएनए को लेकर सीक्वेंसिंग करेंगे और देखेंगे और उसको मैच करेंगे दूसरे इंसान के साथ और देखेंगे कितनी सिमिलैरिटीज हैं, राइट? या फिर सपोज करो इसका बेसिकली पता है कहाँ पर यूज होता है, वो फॉरेंसिक साइंस में, वो दया वाला सीरियल देखते थे, तो वो दया कुछ तो गड़बड़ है, दरवाजा तोड़ो, फिर वो उनको सैंपल मिलते थे, फिर वो डॉक्टर कौन सा था, वो डॉक्टर झटका, नहीं कौन सा डॉक्टर था, वो सोलंकी, तो डॉक्टर सोलंकी के पास लेकर जाते थे, फिर वो ऐसे टेस्ट करते थे, वो कहते थे अरे हाँ ये वाला जो डीएनए है और फिर ये वाला जो डीएनए है ये मैच कर रहा है, तो मतलब ये जो गुंडा है वो यही है, तो
तो मतलब ऐसे कुछ होता था, राइट? तो बच्चा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो मेन इशू है, मेन जो यूज है, वो एक्चुअली क्रिमिनल डिटर्मिनेशन में होता है. और प्लस किसी के जैसे डिस्प्यूट आते हैं, चाइल्ड डिस्प्यूट, कि किसी को पता नहीं इसका पापा कौन है, या किसी को पता नहीं इसकी मम्मी कौन है, तो इस तरीके से पहचानना है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ये बहुत आसान होता है पहचानना, राइट? तो बच्चा एक साइंटिस्ट है हमारे, जल्दी से देखना क्या है. क्या बात गरिमा, क्या बात. ठीक है, तो यहाँ पर एलेक्स जेफरी एक साइंटिस्ट है ना, आजकल वो रील्स में भी देख रहे होंगे तुम्हें, जेफरी 1 2 3 यू कैन डू इट, सुना है तुम लोगों ने, है ना? तो वो आजकल वो रील में जो एक ट्रेंड चलता है, तो 1000 लोग वही डाल रहे होते हैं, तो बस वो कुछ रेड जेफरी वाला भी चला था, तो बस वो वही एलेक्स जेफरी है हमारे, वही नहीं है, अलग है. ठीक है, तो एलेक्स जेफरी जो है, इनिशियली इन्होंने क्या करा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को डेवलप करा, राइट? और उसको एंड नेम्ड इट एज, और उसको नाम दे दिया वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, इन्होंने ऐसा नाम दे दिया. अब तुम कहोगे मैम ये क्या है, तो अब हम बताएंगे आपको क्या है. मैंने आप लोगों से कहा कि 99.9% डीएनए सेम होता है सब में, जो डिफरेंस आता है वो 1% का आता है. भाई वो डिफरेंस है कहाँ, ठीक है, सिर्फ 0.1% का आता है, तो वो डिफरेंस हम कैसे पहचानेंगे? तो याद रखना बच्चा, जैसे हमने किसी का डीएनए निकाला, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया, राइट? और जैसे ही सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, तो बच्चा यहां पर एक साइड आएगा मेन डीएनए, एक साइड आएगा मेन डीएनए, और यहां पर एक बैंड बनेगा किसका, सैटेलाइट डीएनए का. तो बच्चा सैटेलाइट डीएनए का जो है अलग बैंड बनेगा. तो मतलब हम सैटेलाइट डीएनए एक ऐसा रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है जिसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं. अब तुम कहोगे कि मैम सैटेलाइट डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, तो बच्चा सैटेलाइट डीएनए यहाँ पर जैसे क्रोमोजोम है उसके एंड्स पर प्रेजेंट होगा, या उसके सेंटर के साइड पर प्रेजेंट होगा, राइट? एंड इट इज द रिपीटेटिव डीएनए, राइट? तो सैटेलाइट डीएनए हम मेन डीएनए कोर डीएनए से उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं. एंड सैटेलाइट डीएनए का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है फिंगरप्रिंटिंग में. अब ढंग से कहानी सुनना, ठीक है, मैम की कहानी सुनोगे, फिंगरप्रिंटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगी. तैयार हो सारे बच्चे, क्या बोलते हो, जल्दी बोल मयूर, तैयार है? ठीक है, यस एग्जैक्टली गोविंद, जल्दी बताओ. यस, तो डिफरेंस ऑफ द डीएनए मेकअप अकाउंट फॉर द यूनिक फिनोटाइप फॉर ईच इंडिविजुअल, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिंगरप्रिंटिंग. तो फिंगरप्रिंटिंग का पर्पस है हम जितने भी यूनिकनेस है हमारे अंदर वो चीज देखना, जो ये डिफरेंसेस है डीएनए में वो चीज देखना, और इसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई स्टार्ट करेंगे, आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, राइट? ये देखो जरा नीरज बेटा सुन ले, ठीक है, तो यहां पर आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, डीएनए सीक्वेंस ऑफ टू इंडिविजुअल कैन बी कंपेयर्ड वेरी क्विकली विद द हेल्प ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक. तो अगर हमें देखना है कि ये दोनों का डीएनए सीक्वेंस क्या है, तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आसानी से उसको देख सकते हैं, बहुत क्विक देख सकते हैं. ठीक है, और मैंने कहा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे बड़ा रोल रेपिटेटिव डीएनए का है, जिसे हम कह रहे थे ना वेला बेटा, वो आज हीरो बनकर हमें हमारी यूनिकनेस दिखाएगा. ठीक है, तो बेटा किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर दो डीएनए मॉलिक्यूल स्पेसिफिक रीजन में बहुत अलग होते हैं एक रीजन में, दैट इज ऑन देयर रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस, राइट? तो बच्चा उनके रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस में अलग होते हैं वो. ठीक है, तो दो इंडिविजुअल को अगर हमें कंपेयर करना है, तो उसके रेपिटेटिव डीएनए को देखना पड़ेगा, एंड दैट टू सैटेलाइट डीएनए. तो सैटेलाइट डीएनए इज नथिंग बट द रेपिटेटिव डीएनए. एंड बच्चा यस, यहां पर जब हम कोर डीएनए मेन डीएनए को सेपरेट करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से, तो हमारे पास दो पीक आती हैं. मेन डीएनए सबसे ज्यादा सबसे बड़ी पीक देगा मेन डीएनए, और यहां पर एक छोटी सी पीक बनेगी सैटेलाइट डीएनए की. क्यों बनी? क्योंकि हम सैटेलाइट डीएनए को सेंट्रीफ्यूगेशन से मेन डीएनए से अलग कर सकते हैं. जैसा मैंने भी कहा, एक मेन डीएनए का बैंड बना, एक सैटेलाइट डीएनए का बैंड बना, राइट? सैटेलाइट डीएनए का मिनी बैंड बनेगा, स्मॉल पीक बनेगा. क्यों स्मॉल पीक बनेगा बच्चा? क्योंकि यहां पर ये कम नंबर में है, कम अमाउंट में है, लेकिन है, सेपरेट हो रहा है मेन डीएनए से. तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम करेंगे, तो हम सैटेलाइट डीएनए को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, राइट? अब बच्चा यहां पर याद रखना कि जो सैटेलाइट डीएनए होता है वो दो टाइप का होता है, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट. अब जल्दी से मेरे साथ लिखते रहो, क्योंकि यहां पर एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस है, राइट? तो मैंने कहा कि भाई सैटेलाइट डीएनए कितने टाइप का होता है, जल्दी बताओ, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. तो मैंने कहा बेटा सैटेलाइट डीएनए होता है दो तरीके का, राइट? सो कौन कौन सा बचा, जल्दी बताओ. हमारे बच्चों ने कहा कि एक होता है मैम मिनी, और एक होता है माइक्रो, राइट? सो सैटेलाइट डीएनए याद रखना बच्चा, किसके बेसिस पर हमने सेपरेट किया, राइट? सो ऑन द बेसिस ऑफ
एनसीईआरटी की लाइन है, ऑन द बेसिस ऑफ, और नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई में भी पूछ सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ, पहला किसके बेसिस पर सेपरेट करेंगे, कंपोजिशन ऑफ एडिनिन एंड थायमिन, एडिनिन थायमिन का कितना अमाउंट है, गुआनिन साइटोसिन का कितना अमाउंट है, ये कंपोजिशन के बेसिस पर अलग करेंगे। दूसरा, लेंथ ऑफ डीएनए कितना है, इसके बेसिस पर हम दो में डिवाइड करेंगे। और तीसरा है बच्चा यहाँ पर नंबर ऑफ रेपिटेटिव सीक्वेंस कितने हैं, तो मतलब इन तीन के बेसिस पर रेपिटेटिव डीएनए, नंबर ऑफ रेपिटेटिव सीक्वेंस कितना है, राइट। तो इन तीनों चीजों के बेसिस पर दो तरह के सेटेलाइट डीएनए है, वन इज मिनी सेटेलाइट, अनदर वन इज माइक्रो सेटेलाइट, राइट। तो बच्चा जो मिनी सेटेलाइट है उसको VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स भी बोलते हैं। मिनी सैटेलाइट को क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, जो हमने अभी पहले पढ़ा। एंड माइक्रो सैटेलाइट डीएनए को बोलते हैं शॉर्ट टेंडम रिपीट, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चा, शॉर्ट टेंडम रिपीट, राइट। सो दैट मींस एसटीआर। तो यहां पर याद रखना माइक्रो का दूसरा नाम एंड मिनी सैटेलाइट का दूसरा नाम। माइक्रो सैटेलाइट में 2 से 8 बेस पेयर रिपीट होते हैं, 2 से 8 बेस पेयर की रिपीटेशन होती है, राइट। लेकिन मिनी सैटेलाइट में 10 से 100 बेस पेयर को रिपीट किया जाता है। तो यहां पर रिपीटेशन किसकी होती है बच्चा, 10 से 100 बेस पेयर की रिपीटेशन होती है, राइट। उसके बाद यहां पर माइक्रो सैटेलाइट किधर प्रेजेंट होता है, ये थ्रू आउट जीनोम में आपको मिलेगा, राइट। सो थ्रू आउट जीनोम में ये आपको मिलेगा। और यहां पे मिनी सैटेलाइट कहां मिलेगा, अकर एट द एंड ऑफ जीनोम, अकर एट एंड ऑफ जीनोम, जीनोम के बिल्कुल एंड में मिलेगा, राइट। यानी क्रोमोसोम के एकदम एंड पर मिलेगा, और माइक्रो सैटेलाइट ऑलमोस्ट हर जगह आपको मिल जाएगा, राइट। तो बच्चा पार्टी इज इट डन टू एवरीवन, एनसीईआरटी की लाइन है ये भी और ये भी, तो आई एम प्रिटी श्योर अब सबको क्लियर होगा, राइट। एंड वीएनटीआर मैंने यहां पर इसलिए बता दिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था, राइट। हाँ बच्चा जल्दी से बच्चा, डोंट स्पैम, राइट। तो यहां तक समझ में आया सबको, जल्दी से बताओ बच्चा। तो यस, वी हैव माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, राइट। तो अभी मैंने कहा कि जो माइक्रो सैटेलाइट है, मिनी सैटेलाइट है, उसमें से VNTR मतलब मिनी सैटेलाइट का दूसरा नाम वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स है, जिसको हम फिंगर प्रिंटिंग में यूज करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नीट एंड दिस इज एनसीईआरटी लाइन, कि फिंगर प्रिंटिंग में किसको यूज किया जाता है बच्चा पार्टी, जल्दी बताओ। तो यहां पर जो है फिंगर प्रिंटिंग के लिए VNTRs को यूज किया जाता है, क्योंकि हमें हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म इस सीक्वेंस में मिलती है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब डिफरेंसेस, तो अगर हम ह्यूमंस में डिफरेंसेस निकालने चले तो हमें VNTR में सबसे ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म दिखेगा, एंड हमें वही चाहिए, हमें डिफरेंसेस ही देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्निक क्या है बच्चा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करो, डीएनए को छोटे 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 टुकड़ों में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस की मदद से काट दो। उसके बाद यहां पर एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होती है, जिसमें छोटे टुकड़ों को सेपरेट करते हैं लेंथ के अकॉर्डिंग। तो जो छोटे टुकड़े होंगे, बड़े टुकड़े होंगे, वो लेंथ के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमने डीएनए को सेपरेट किया, डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया लेंथ के अकॉर्डिंग, उसको पता है क्या करेंगे, जैसे यहां पर सपोज करो ये यहां पर हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है। ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग में क्या करते हैं बच्चा, नाइट्रो सेलुलोज और नाइलॉन का एक वो लेंगे, पेपर लेंगे, शीट लेंगे, और उसको दबा देंगे अच्छे से इसके साथ। तो जैसे ही दबा दिया ना इसके साथ, ये टाइट से दबा दिया, राइट। उसके बाद जब ये नाइलॉन शीट को देखोगे, तो जो उस शीट में यानी जो उस जेल में थे सारे के सारे डीएनए, वो सारे सेपरेट होकर इस पर आ जाएंगे, वो सारे के सारे यहां पर आ जाएंगे, इस मेम्ब्रेन पर आ जाएंगे, राइट। तो वो हमारा पर्पस था कि ब्लॉटिंग की मदद से हम क्या करेंगे, जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट है उनको नाइट्रोसेल्युलोज नाइलॉन की मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करेंगे, राइट। उसके बाद बचा वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स के छोटे छोटे प्रोब्स हम लेंगे, प्रोब मतलब रेडियो एक्टिव डीएनए सीक्वेंस। तो बच्चा क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव छोटे छोटे डीएनए न्यूक्लियोटाइड लेंगे, और जो हमारे पास छोटे छोटे टुकड़े आए हैं, छोटे छोटे से टुकड़े आए हैं, उसको सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करेंगे, और सिंगल स्ट्रैंडेड में फिर रेडियो एक्टिव प्रोब्स को जोड़ेंगे। तो बच्चा जैसे ही रेडियो एक्टिव प्रोब्स को जोड़ेंगे, सपोज हम न्यूक्लियोटाइड विद ए को हमने व्हाइट कलर से रेडियो एक्टिविटी करी, सपोज गुआनिन वाले को हमने रेड कलर से रेडियो एक्टिव किया, सपोज हमने यहाँ पर थायमिन वाले को येलो कलर रेडियो एक्टिव से लेबल किया, और यहाँ पर एडिनिन गुआनिन थायमिन
साइटोसिन वाले को ग्रीन कलर से किया, तो अब हमें अलग अलग कलर दिखने लगेंगे। फिर हम उसको रेडियो एक्टिव, ये जो हाइब्रिडाइज डीएनए है विद प्रोब, उसको ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। बच्चा ऑटो रेडियोग्राफी मतलब रेडिएशन की मदद से देखेंगे। किसकी मदद से देखेंगे जल्दी बताओ? तो बच्चा रेडिएशन की मदद से देखेंगे, और फिर हम कहेंगे कि अच्छा ये जो डीएनए आया था ना हमारे पास, उसमें ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के प्रोब्स हमने जोड़ दिए, और हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस यहाँ प्रेजेंट है। तो उसके बाद इसको ऑटो रेडियोग्राफी मतलब रेडिएशन की मदद से देखेंगे, और हमें पता चलेगा कि भाई कौन सा सिक्वेंस है। एंड याद रखना बच्चा, इसमें ब्लॉटिंग, सडन ब्लॉटिंग करी जाती है, राइट? एंड रेडियो लेबल्ड VNTR प्रोब यूज करे जाते हैं इसको ब्लिंक करवाने के लिए, सीक्वेंस को पता लगाने के लिए, ठीक है? तो हम ये कर रहे हैं सारी चीजें। तो जैसी वो ब्लिंक होने लगा तो हमें पता चल गया कि अच्छा बेटा यहां पर ये सारे क्रोमोसोम हैं, राइट? तो हमने क्या करा, यहां पर सपोज करो ये इंडिविजुअल ए है, ये उसका डीएनए है, और यहां पर ये इंडिविजुअल बी है, ये उसका डीएनए है। तो हमने क्या करा, उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, फिर रेडियो एक्टिविटी वही नायलॉन शीट पर डाला, फिर रेडियो एक्टिविटी प्रोब्स लगाए, रेडियो एक्टिव प्रोब्स लगाए, ऑटो रेडियोग्राफी करी। एक्सरे की प्रेजेंस में हमने जब ऑटो रेडियोग्राफी करी तो वो ब्लिंक करने लगे, और अब हम देखने लगे कि भाई ये हमें मिला था, ये वाला जो सी है ये हमें क्रिमिनल साइट से मिले था, सपोज करो ये क्रिमिनल साइट से मिला था, और हमें ए आदमी और बी आदमी पे शक है, तो ये उनके डीएनए है, राइट? तो अब मुझे जल्दी से बता दो बच्चा कि यहां पर जो क्राइम सीन से मिला उसके डीएनए किसके साथ मैच कर रहे हैं, ए वाले के साथ या बी वाले के साथ, जल्दी बताओ। तो हमारे बच्चों ने कहा कि यस। तो बच्चा डोंट डू इट, राइट? सो ये जो भी स्पैमर्स हैं, यू कैन ब्लॉक इट, राइट? तो आपके पास एक ऑप्शन होता है ब्लॉक का, चैट में ब्लॉक कर दिया करो, राइट? परेशान नहीं होना है। तो हमारे बच्चों ने कहा कि मैम जो यहाँ पर सी क्रिमिनल साइट से जो डीएनए का सीक्वेंस हमने बनाया, उसने उसको हमने सेपरेट, उसके अगर सिमिलैरिटी देखेंगे तो बी वाले के साथ है। तो बेटा ये यहाँ पर रेड रेड के सामने, ये वाला देखो सिमिलर, एकदम डिट्टो सेम। तो मतलब क्रिमिनल कौन है बेटा? पता चल गया, दया ने पता लगा दिया, क्रिमिनल बी वाला होगा, दैट्स ऑल, राइट? तो बच्चा इस तरीके से यहाँ पर ये यूज किया जाता है। एंड प्लस कभी कभी हम ये डीएनए डीएनए के फ्रेगमेंट्स को एम्पलीफाई करने के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी यूज करते हैं, पीसीआर टेक्निक भी यूज करते हैं। तो पीसीआर टेक्निक का क्या मतलब होता है बच्चा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, खूब सारे नंबर ऑफ डीएनए को बढ़ा देना, ठीक है, उनकी कॉपी मल्टीप्लाई कर देना। तो उसके लिए एक टेक्निक यूज होती है, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बहुत बार यूज होता है। क्या होता है बच्चा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, राइट? क्यों होता है बच्चा? जब हमें एम्पलीफाई करना है डीएनए के सेगमेंट को, तो एम्पलीफाई करने के लिए डीएनए को वी कैन यूज इट इन द फिंगरप्रिंटिंग। ये नीट का भी क्वेश्चन है और पूछ सकता है, राइट? तो ये चीज आपको याद रखना है। तो देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या यूज है बच्चा? पहला तो पैटर्निटी टेस्ट कि इसके मम्मी पापा कौन है, राइट? दूसरा यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस में इसका यूज है बहुत बड़ा, दया पता लगाओ कौन यहाँ पर, किसने यहाँ पर मर्डर किया। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस बताएगा कौन किससे कितना अलग है, राइट? तो ये पर्पस है। तो बच्चा ये नीट का भी क्वेश्चन है, सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है। जल्दी बताइए क्या होगा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो स्पेसिफिक रीजन पर अलग होता है डीएनए सिक्वेंसिंग का। तो बच्चा वो डीएनए सेटेलाइट, सेटेलाइट डीएनए, रेपिटेटिव डीएनए, सिंगल न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमॉर्फिक। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं बच्चा उसको, जल्दी बताओ। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इन्वॉल्व होगा डिफरेंसेस को बताने के लिए इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे उसको, ठीक है? तो हमारे बच्चों ने कहा कि मैम उसको बोलेंगे रेपिटेटिव डीएनए। तो यहाँ पर देखो ये क्या है कि ये बोल रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सिक्वेंस कॉल्ड एज रेपिटेटिव डीएनए। एंड यहाँ पर इन्होंने ब्रॉडली आंसर दिया हुआ है, ऑल दो सेटेलाइट डीएनए इज ऑल्सो रेपिटेटिव, ये भी रेपिटेटिव होता है, राइट? लेकिन यहां पर इन्होंने ब्रॉडली रेपिटेटिव डीएनए का जिक्र किया हुआ है, ठीक है? अगर प्रिसाइजली पूछेगा तो बच्चा सैटेलाइट डीएनए रेपिटेटिव डीएनए का ही पार्ट है। तो ये ब्रॉडली इसने रेपिटेटिव डीएनए को लिया यहां पर, दैट्स ऑल। ये वाला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्या बेसिस है, किस बेसिस पर हम जेनेटिक मैपिंग कर सकते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लगाएंगे और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लगाएंगे, बच्चा क्या बेसिस है इसका?
राइट, तो यहाँ पर क्या बेसिस है इसका? तो हमारे बच्चों ने कहा मैम इसका बेसिस है ए पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जेनेटिक मैपिंग ऑफ डीएनए ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या बेसिस है? तो पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ डीएनए सीक्वेंस मतलब जो भी डिफरेंसेस हैं राइट डीएनए सीक्वेंस में, जो भी डिफरेंसेस हैं ऑब्वियसली उसी को जानने के लिए तो हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, फिंगरप्रिंटिंग। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्यों निकालना चाह रहे हैं? क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि भाई कितना डिफरेंट है राइट। तो ये सारी चीज है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, जो दोनों का बेसिस है राइट। नेक्स्ट है बच्चा एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग रेफर टू डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, नोबल डीएनए सीक्वेंस जीन एक्सप्रेस्ड एज आरएनए पॉलीपेप्टाइड एक्सप्रेशन। क्या होगा एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग बच्चा? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग मैंने कहा था किस चीज के लिए होगा, जल्दी बताओ क्या इसका पर्पस था? यस, तो हमारे बच्चों ने कहा कि मैम इसका जो पर्पस था दैट वाज सी, कि ये वो वाले एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग वो होते हैं जो कोडिंग होते हैं किसी आरएनए के लिए, किसी जीन का जो एक्सप्रेशन होगा आरएनए में कन्वर्ट होगा राइट। नॉन कोडिंग वाले में ऐसे आता था, वो सीक्वेंस एनोटेशन आता था, लेकिन इसमें सिर्फ कोडिंग वाले आते हैं जो एक्चुअली आरएनए में कोड होंगे राइट। सो बच्चा दैट्स ऑल, वी आर डन फॉर द डे, हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है राइट। तो यूट्यूब पर देखो सीबीएसई वालों के लिए भी चल रहा है एंड दैट इज बेसिकली गोइंग टू बेनिफिट नीट वाले बच्चे भी ऑल्सो राइट, एंड नीट के लिए भी चली रहा है अलग से पार्ट, तो बच्चा यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट राइट। उसके बाद टर्म वन क्रैश कोर्स जो है ये हमारा पेड प्लेटफॉर्म का है, तो किसी बच्चे को लगता है कि यार सारी चीजें अगर हमें मिल जाए तो वी कैन डू बेस्ट, तो बेस्ट उनके लिए बेस्ट है राइट। तो यहाँ पर बिल्कुल वो बच्चे ले सकते हैं इस कोर्स को, लाइट जो है 60। यहाँ पर बच्चा फिर मैंने कहा ये प्राइस इसका बहुत डाउन हो चुका है, तो यू कैन जस्ट सी आरएम प्रो कूपन को इस कोड के साथ आपको ये और भी ज्यादा कम प्राइस में मिल रहा है राइट। सो बी द पार्ट ऑफ इट, हरी अप राइट। तो यहाँ पर फिर से नहीं तो प्राइस रेज होंगे एंड जस्ट बी द पार्ट ऑफ इट राइट। उसके बाद पीडीएफ और नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन इट, लाइक द चैनल, शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल राइट, एंड इन केस आपको कोई डाउट है तो यू कैन जस्ट आस्क मी राइट। सो बच्चा इज इट डन, इज इट डन, जल्दी से बताओ, कोई भी अगर डाउट है आप तो जल्दी बताओ, मैंने आपको सारे एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से बताए राइट। इन केस अगर लगता है कि कोई डाउट है यू कैन जस्ट आस्क मी। हाँ तो बेटा क्या ठीक है, सो हाउ डिड यू लाइक, हाउ डिड यू लाइक सेशन? ठीक है, तो थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट बच्चा, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स, आपको कैसा लगा सेशन राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स, एंड बस ऐसे ही पढ़ते रहिए अच्छे से, टीचर्स आर ऑलवेज विद यू राइट। तो बच्चा अच्छे से पढ़ो, मार्क्स लेकर आओ, देखो पढ़ाई का लॉस बिल्कुल नहीं होगा अगर आप लोग अच्छे से यहाँ पर सेशन को कर रहे हैं अटेंड राइट। तो देखो यार आज इतना कम कैसे, ठीक है जल्दी से यहाँ पर देखो, हिट द लाइक बटन। अरे भाई आज यहाँ पर क्या हो गया बेटा राइट। तो यहाँ पर देखो ये नीट सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, तो ये है बच्चा ये हमारा नीट 2022, उसके बाद ये ड्रॉपर्स के लिए, ये टर्म वन के लिए, ये टर्म वन एंड टू के लिए, एंड बच्चा दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप जो आपको ज्वाइन, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस लिंक के साथ राइट। उसके बाद ये सारे के सारे प्लेलिस्ट है हमारी, ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो दे कैन आस्क मी। पर आज तो भाई मुझे लगता है कि इस कोर्स को थोड़ा सा कम कर दें क्या, अब बच्चे जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, पर कोई बात नहीं, अगर एक बच्चा भी होगा हम तब भी उसको पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो राइट, उसी शिद्दत से पढ़ाएंगे, कोई गल नहीं। तो चलिए बच्चा सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, तो लेट मी जस्ट एंड द सेशन, आप लोग भी जाके बिल्कुल ब्रेकफास्ट करिए, तो हम भी जाकर अब ब्रेकफास्ट करते हैं और मिलते हैं सारे बच्चों को नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चा, हैव अ ग्रेट